तो पिंपल और डाइट ऐसी चीज है जिसको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको पिंपल्स हो रही है तो बहुत ज्यादा चांस है आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तभी आपको पिंपल्स हो रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं पर्सनली क्या कंज्यूम करता हूँ इन पिंपल्स को दूर रखने के लिए। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप चाहे कितनी मर्जी क्रीम लगा लो, कितनी मर्जी दवाइयां ले लो, कुछ भी पी लो, लेकिन पिंपल्स नहीं जाएगी जब तक आप अपनी डाइट को करेक्ट नहीं करते। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है डाइट से पहले वो है कि आप वाटर कंज्यूम स्टार्ट कर दो, मतलब पानी ज्यादा पीना स्टार्ट कर दो। पहले आप मुझे पता है बहुत कम पी रहे थे और इसी वजह से शायद आपको पिंपल्स हो रही थी। तो अब से आपको पानी पीना अच्छे से स्टार्ट करना होगा, अच्छे से पीना ज्यादा पीना स्टार्ट करना होगा। पहले आप बहुत कम पी रहे थे लेकिन अगर आपको पिंपल्स को दूर रखना है तो प्लीज पानी ज्यादा पीना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो एग्जैक्ट वो चीज जो मैं खाता हूँ जिससे मैं पिंपल्स को दूर रखने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं वो किस टाइप की चीज है। वो डाइट है ये, सबसे पहले इसके अंदर है पालक, पालक के बाद है इसके अंदर टमाटर, इसके बाद है एप्पल, काजू और इस टाइप की और भी बहुत सारी जितनी आप ग्रीन चीज इसके अंदर ऐड कर सको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ग्रीन चीज जितनी आप खाओगे आपका पेट उतना साफ रहेगा और आपके पिंपल्स होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ है। अब देखिए इसको आपको है ना, मतलब ऐसे नहीं है कि किसी भी टाइम खा लेना है। मैं बेसिकली इसको जब भी मैं दूध पीता हूँ उसके 2-3 घंटे बाद ही खाता हूँ, क्योंकि दूध के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस टाइप की दूध छाछ के ऊपर ये सब आप नहीं खा सकते। तो मैं बेसिकली दूध पीने से आधे घंटे नहीं 3-4 घंटे के बाद ही इसको कंज्यूम करता हूँ। तो ये जो पालक है इसको मैंने सिर्फ स्टीम किया है, मतलब जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, एक तपेली ली उसके ऊपर ढक्कन रखा, लेकिन वो खड्डे वाला ढक्कन रखा, उसके ऊपर पालक रखी और फिर गैस ऑन किया और इस टाइप से मैंने इसको स्टीम करके बनाया। इसको डायरेक्ट कच्चा मत खाना, ये सही नहीं रहता कच्चा, लेकिन इसको स्टीम करके खा सकते हो। बॉईल मत कर देना, टेस्ट पूरा अजीब हो जाएगा। ये टेस्टलेस अभी भी इसका कोई इतना खास टेस्ट नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में आप खाओगे तो आपको लगेगा कि आप पता नहीं क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, किस खुशी में खा रहे हो। बट एक और चीज, इसके ऊपर आपको ब्लैक पेपर डालनी है, ब्लैक पेपर काली मिर्ची डालनी है आपको इसके ऊपर और फिर खाना है। इससे थोड़ी टेस्ट भी आ जाएगा और ब्लैक पेपर अच्छा भी होता है। तो मैंने बहुत कम चीज़ें बताई आज की सलाद में, लेकिन मैंने ये ना एक बजट बताया है। मतलब अगर कोई ज़्यादा सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो भी रीज़न है, वो इस टाइप की चीज़ें तो अफोर्ड कर ही लेगा। अगर मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरी, कीवी ये सब डाल देता ना तो आप सोचते भाई बजट के बाहर, अब करना ही नहीं ये चीज़। इसीलिए मैंने आपको बजट में रह के बताया, मतलब इतनी चीज़ें तो आप आराम से अफोर्ड कर ही सकते हो अपनी पिंपल्स के लिए। इसके अलावा आपको ऑयली चीजें बंद कर देनी होगी, बाहर की चीजें बंद करनी होगी अगर आप चाहते हो आपके पिंपल्स दूर हो। देखो नहीं चाहते तो फिर खाते रहो यार, लेकिन अगर चाहते हो, सीरियस हो इस टॉपिक के ऊपर, तो फिर सबसे पहले आपको तली हुई चीजें स्टॉप करनी होगी। जैसे मैं कंप्लीटली मैं खाता ही नहीं हूँ तली हुई चीजें। तो ज्यादा पानी पीना चालू कर दीजिए और ये वाली चीज अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ऐसी और वीडियोस आती रहेगी। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिए। आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम की लिंक मिल गई होगी, अब वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो और ऐसी और वीडियोस आती रहेगी। तब तक के लिए स्टे